दोस्तों नमस्कार, मैं श्रवण सीएलसी सीकर से। आप सब जानते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने गुरु नीति नाम से 180 वीडियो का एक मिशन छेड़ा, जो स्टार्ट हुआ हमारा 26 अक्टूबर से, जिसके आज 19 नवंबर तक 28 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तभी हमने कमिटमेंट किया था आप सबसे कि हम जेई के बच्चों के लिए भी इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। इसका नाम हमने लिखा गुरु नीति जेई। 100 वीडियो आपको देंगे, 33 फिजिक्स में, 34 केमिस्ट्री में और 33 मैथ में। 100 वीडियो आपको दिए जाएंगे और इसमें रोज एक वीडियो आएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का। इसका शेड्यूल कंप्लीट आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा या आप सीएलसी की साइट पे जाके देख सकते हैं। ओके डियर, तो अब आज पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का। आप प्रमोद ढाका सर हैं, आप हमारे विजेंद्र पटेल सर हैं, ये दोनों साथी मिलके आपको इस वीडियो को अवेलेबल कराएंगे। ये दोनों वो लोग हैं जो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाना मजबूरी है, ये वो लोग हैं जो अपने मैक्सिमम को बच्चे के साथ देना चाहते हैं और रिजल्ट बनाना चाहते हैं। इसलिए इस टीम को शुरुआत इस टीम से शुरुआत की जा रही है और ये दोनों यंग लड़के आज आपके साथ आएंगे, अपने क्लास शुरू करेंगे और दोस्तों इसी चलते चलते 5 मार्च तक ये कंप्लीट वीडियो आपके पास आ जाएंगे। ये जेई मेंस से थोड़े से ऊपर लेवल तक रहेंगे, एडवांस तक नहीं जा पाएंगे, बहुत क्लियर बात है कि एडवांस तक क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो डियर सीएलसी सीकर का यूट्यूब चैनल जिसपे आप जुड़े हुए हैं, वहां डेली 2 वीडियो आपके नीट के लिए आते हैं, 1 डेली आपका जेई के लिए आएगा। आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। आप सब जानते हैं आपके अपने सीएलसी ऑनलाइन पे बहुत अच्छा काम कर रही है, एकमात्र सीकर के एकमात्र संस्था सीएलसी है जो नीट और जेई दोनों रिजल्ट पहले देती है। रिजल्ट की बात आए तो पहले 2000 में सीकर में 6 बच्चा देने वाली हाईएस्ट संख्या देने आपके अपने सीएलसी है। मेडिकल की बात आए तो दोनों टॉप रैंक सीएलसी के नाम रहती है हमेशा ही। तो ओके दोस्तों, मैं हटता हूं आपके बीच में से, तो प्रमोद सर और पटेल सर ये दोनों मेरी यूथ टीम के लोग आपको अपनी क्लास देंगे। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। ओके डियर, तो आज का अपना जो टॉपिक है फर्स्ट, दैट इज यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो उसमें बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेरे को एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चारों में से पिक करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, और सेकंड वाले की बात करूं दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। अब इन दोनों पे बात करें तो वैसे कोरिलेटेड से स्टेटमेंट है साहब। तो अपन जैसे फर्स्ट वाले को लेकर बात करें और सेकंड वाले को लेकर, तो एक साथ ही बात कर लेते हैं। जैसे मैं कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन लेता हूं, तो एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से अपन शुरू करें। लेट सपोज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इसकी लेफ्ट हैंड वाली डायमेंशन और लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन दोनों से ut की डायमेंशन at स्क्वायर के इक्वल आएगी। हाँ। और वो s की इक्वल आ रही है, तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है। इक्वल है। अब दूसरी इक्वेशन की इसमें मैं बात करूं दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/3 at³ स्क्वायर। अब यदि डायमेंशनली बात करें तो डायमेंशनली ये इक्वेशन भी करेक्ट है। हाँ ये। क्योंकि 1/2 जो राइट हैंड साइड में था और ये जो 1/3 राइट हैंड साइड में दूसरी वाली इक्वेशन में, ये दोनों ही क्वांटिटीज डायमेंशनली तो लेकिन अपने को पता फर्स्ट वाली इक्वेशन तो करेक्ट है और सेकंड वाली गलत है। सेकंड वाली गलत है। बट डायमेंशनली तो दोनों करेक्ट है। तो यदि अपन उसमें स्टेटमेंट की बात करें अपने दोनों स्टेटमेंट की, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, तो दोनों ही एग्जाम्पल अपने पास आ रहे हैं। मतलब शुरू के दोनों एग्जाम्पल सही। और वैसे भी यदि अपन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की बात करते हैं ना सर, तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी इक्वेशन के करेक्ट होने के लिए, बट इट्स नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। नहीं, सफिशिएंट नहीं है। यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी, बट यदि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% वो गलत होगी। तो यदि अपन जैसे अपने थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात करें, बोला डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, और फोर्थ बोला डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। तो बिल्कुल थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है बताओ अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट ही चूज करना है, इनकरेक्ट ही चूज करना है, आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। थर्ड अपना करेक्ट आंसर है। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बोला ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज फॉर्म टू बी एन यू
where n numerical value and u equal to unit, then which of the following relation is true. तो इसमें सर अपने लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये बोल रहा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो अब उसमें हमें रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो अगर अपने लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें क्या, उसको पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो एग्जाम्पल अगर मान लो मैं बोलता हूँ 1 kg है, ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया, यूनिट हो गई। अगर मैं इसको दूसरी सिस्टम में ले जाता हूँ CGS में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम हो जाएगा। अब सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारे पास बढ़ रही है तो यूनिट हमारी छोटी हो रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास यूनिट छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। तो सिंपल से अगर मैं इसको ये ले लूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लिख लूँ और इसको लिख लेता हूँ मैं यू, तो ये जो हमारे पास आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आना चाहिए सिंपल सा। या ये इसको मैं ऐसे बोल दूँ, एन जो आएगा वो डायरेक्टली 1/u के साथ ऐसे वेरी करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ वन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो अब इसमें अपन एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला ना अपना एंगल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये किन्हीं भी दो मेजरमेंट सिस्टम्स जो होते हैं ना, जैसे एमकेएस और सीजीएस हो गया, सीजीएस और एफपीएस हो गया, और कई बार कुछ हाइपोथेटिकल मेजरमेंट सिस्टम भी लेते हैं, तो उनमें किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर करने के काम आते हैं, और उनके लिए अपन जो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं ना सर, वो यूज करते हैं n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। हाँ, ये भी सही है। कोई भी भाई वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए ना। हाँ। कि एक सिस्टम में जैसे आपने बात की कि एक केस सिस्टम में 1 kg है और दूसरे मेजरमेंट सिस्टम में 1000 ग्राम है। हाँ। बट होने तो दोनों बराबर चाहिए। सही तो दो मेजरमेंट सिस्टम में n और u का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट। चलो सर आगे बढ़े फिर। आगे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, इसमें बोल रहा है दैट वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय इक्वेशन v इज इक्वल्स टू at + v डिवाइडेड बाय t + c, पर a b एंड c आर कांस्टेंट्स, द डाइमेंशंस ऑफ a b एंड c आर रेस्पेक्टिवली। कि भी ये अपने पास एक इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी की, पर इस इक्वेशन से मेरे को a b और c जो तीन कांस्टेंट्स हैं इनके डाइमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो यदि अपन यहां बात करें ना सर, तो सबसे पहली चीज जो अपन इसमें यूज करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूज करेंगे वी में समानता का नियम। वो ये कहता है कि यदि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हमेशा इक्वल होंगी, तभी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज डायमेंशनली अनइक्वल क्वांटिटीज है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि अपन बहुत सिंपल से शुरू करें इस क्वेश्चन को, तो देखो यहां पर अपने पास दिया हुआ है टी प्लस सी, इसका मतलब टी जो है वो सी में ऐड हो रहा है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला टी का और सी का दोनों का सेम होगा। तो सबसे पहले तो अपन बात कर ले कि साहब सी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आ गया। तो अपन ने जो तीन चीजें अपने से पूछी गई है तो सी की भी सी का तो आ गया, बात सही है, सही है। अच्छा फिर देखो दूसरे यदि अपन बात करें, इसमें मेरे को एक का डायमेंशन चाहिए और बी का, बी का चाहिए। तो भाई इक्वेशन यदि करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड के बराबर और राइट हैंड के बराबर होगा, जबकि राइट हैंड में अपने पास दो क्वांटिटीज हैं जिनका एडिशन हो रहा है। तो हमने कहा भी राइट हैंड की दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला at और b / t + c के बराबर होगा, बराबर होगा, और वो उधर v के बराबर, v के बराबर। तो अपन पहले इन दोनों से बात करके a का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v का होता है सर lt - 1, lt - 1 आ जाएगा। अच्छा a और a t तो t t रह गया, तो अपने पास a आ जाएगा यहां से। a का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास आ रहा है सर क्या, जो हमने कैलकुलेट किया बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी नहीं तो यही अपना तो अपन दो से ही काम कर ले। हाँ, इसमें बाकी बी का अपन कैलकुलेट तो करेंगे पर डायरेक्टली कर ले, एग्जाम में टाइम बच जाएगा कई बार ऐसी चीजें। अच्छा अब बी की जैसे बात करें तो अपने पास v और b by t + c का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। हाँ, सेम है। हेलो सर, तो अब इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो जो b आएगा हमारे पास, इसको अपन लोग ये लिख लेते हैं तो b इक्वल टू अपने लोग लिखेंगे b t + c
ठीक है सर। तो अब हमारे पास जो बी की डायमेंशन है ये हमें तो पता है ही, बिल्कुल ठीक है, और अपने लोगों ने सी की पता कर ली है, बी की निकाल सकते हैं अपने लोग, ठीक है। तो जो बी की डायमेंशन आएगी ये आ जाएगी एल टी की पावर माइनस वन, बी की हमें पता करना है और टी कितना हो जाएगा, इन दोनों की जो डायमेंशन सेम होगी, सेम होगी ना, बिल्कुल दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अगर मैं यहां से जो बी लिखूंगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पहला जाएगा। तो वैसे भी अपन ने पहले ऑप्शन चूज कर लिया था, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट सही है। चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को, आगे है ए ट्रिपल टाइम ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ ट्यूब इज पी, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन बाय। तो देखो सर इसमें हमारे पास फार्मूला तो दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें सबकी डायमेंशन अपने लोगों को पता होनी चाहिए, तो अपने लोग विस्कोसिटी की डायमेंशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अपने लोग इसको स्टार्ट करें, अभी एक बात समझ में आती है जो अभी आपने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो अपने लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है एडिशन में है, वो मतलब सब्ट्रैक्शन में है, तो जो आर की डायमेंशन होगी वो एक्स की होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। बी की हमें डायमेंशन पता है, एल की पता है, और प्रेशर की हमें डायमेंशन पता है, ठीक है। इसको रखते हैं फिर अपने इसकी डायमेंशन आ जाएगी, तो उसको यहां लिख लेते हैं, जो ईटा था वो पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था बी इंटू एल, फोर तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो फोर तो अपना डायमेंशन तो हट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी की जो डायमेंशन होगी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो अब पी की अपने लोग डायमेंशन रख देते हैं, पी की जो डायमेंशन आ जाएगी वो एम एल माइनस वन, ये आ जाएगा आर की डायमेंशन, ये डिस्टेंस की डायमेंशन होगी, तो ये एल स्क्वायर हो गया, ये एल टी माइनस वन आ जाएगा, और ये एल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, सही है सर, सही। तो अब अगर मैं यहां से डायमेंशन लिखूंगा तो एम तो एम ही रहेगा, बिल्कुल। अब एल इधर कितना है, ये माइनस टू है, नहीं ये माइनस वन है, ये टू है, तो कितना बचा हमारे पास वन, और इधर से आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा एल माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस वन, तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन आ गया यार अपना एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस वन, तो आंसर हो जाएगा इसका अपना फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही बात है सर, ठीक है। चलो सर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइव में, टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन एज रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन द एक्सप्रेशन ऑफ टी इज। अब ये जो है सर ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड जो है उसके कुछ यूजेस होते हैं, हाँ। जैसे एक तो अपन ने पहला वाला देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अपन डायमेंशन कैलकुलेशंस उससे पता कर सकते, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसने बोला कि भी बूंद का जो कंपन का आवर्त काल है वो उसके पृष्ठ तनाव त्रिज्या और घनत्व पर निर्भर कर रहा है, तो यदि अपन इन तीनों पर इस टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी चेक करें कि भाई टाइम पीरियड डिपेंड किस टाइप से करेगा, तो इनसे अपन इसका फॉर्मूला लिखें, इस क्वेश्चन को शुरू करने का तरीका कि टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल है सरफेस टेंशन की पावर ए, रेडियस की पावर बी और डेंसिटी की पावर सी, सिंपल सा। तो टाइम पीरियड जो है अब अपन दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम जीरो एल जीरो टी वन। सरफेस टेंशन जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं अपने पास, अब वो जो फॉर्म जैसे बात करें अपन प्रेशर का हो गया, वर्क का हो गया, एनर्जी का हो गया, फिर एप्सिलॉन नॉट हो गया, कैपिटल जी हो गया, म्यू हो गया, अब इनके सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज तो याद नहीं हो सकते, तो सबसे बढ़िया है कि आप कोई फॉर्मूला उससे रिलेटेड याद रखो। हाँ। तो सरफेस टेंशन तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो सरफेस टेंशन होता है, ठीक बात है। तो फोर्स अपॉन लेंथ, हाँ, फोर्स अपॉन लेंथ से अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू की पावर ए, ठीक है, सही है। आर रेडियस है बोले तो एल की पावर बी, एल की पावर बी, और रो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल माइनस थ्री की पावर सी आ गया। यहां से यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आ रहा है m0 l0 t1, इस साइड में m की जो पावर्स हैं, देखो m की एक तो पावर है a, m की पावर a हो गया, और इधर अपने पास है m की पावर c, c। इसमें l m है नहीं, इधर देखें तो l की पावर यहां से तो कुछ नहीं आ रहा, यहां से b आ रहा है और यहां से माइनस थ्री सी, माइनस थ्री सी,
टी की पावर में बात करें तो माइनस टू ए माइनस थ्री सी थ्री सी। अब ये सर यहाँ पे माइनस थ्री इधर नहीं ना, तो ओ सॉरी 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 रुको सर, ये हो गया अपना एम यानी माइनस थ्री की पावर सी, तो ये टी की पावर तो सीधा सीधा माइनस टू है, माइनस टू आ गया, और तो कोई है ही नहीं, और तो कोई नहीं। तो अब अपने को सिंपली कंपेयर करना पावर्स को, पावर कंपेयर, तो भाई जैसे सीधा सीधा यहां से देखे तो टी की पावर इधर वन है इधर माइनस टू है, तो ए की वैल्यू तो सीधा सीधा मेरे पास माइनस वन बाई टू आ गई, माइनस वन बाई टू आ गई। अब तो ये आसान हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ। फिर यहाँ से देखें तो एम की पावर ए प्लस सी और इधर जीरो है, जीरो है, तो इसका मतलब सी जो है वो माइनस ए के इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है मतलब ये वन बाई टू है प्लस में। फिर उसके बाद एल वाले में देखें तो बी जो है वो अपने पास थ्री सी के इक्वल है, थ्री सी के इक्वल है, सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो सी की वैल्यू वन बाई टू अपन ने रख दी, तो ये आ गया मेरे पास। मतलब टाइम पीरियड जो है सर वो प्रोपोर्शनल आ रहा है s की पावर माइनस वन बाई टू, s की पावर वन बाई टू, और r की पावर, r की पावर ये थ्री बाई टू, c की पावर रो की पावर वन बाई पावर आ रही वन बाई टू, वन बाई टू। तो थोड़ा सा सजा के यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, मतलब लोगों को इस फॉर्म में लिखना है, t प्रोपोर्शनल आ रहा है r क्यूब रो डिवाइडेड बाई s। बोलो सर सही है, सही है। तो यहां से यदि अपन देखें भाई बाद में तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगा देंगे, दैट वैल्यू इज आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एस। यहां से यदि मैं बात करूं तो मेरा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ये सर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर। पढ़ाई बात को आगे सर, आगे बात चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो देखो सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है सर इसमें, द स्पीड ऑफ रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन सिग्मा डेंसिटी एंड वेवलेंथ लैम्डा, द स्क्वायर ऑफ स्पीड बी इज प्रोपोर्शनल। तो सर ये तो वैसे जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो वही प्रिंसिपल जैसे आपने लगाया वही लगाएंगे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर, तो अब हमें स्पीड दे रखा है तो जो बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास बोला सरफेस टेंशन तो इसकी पावर मैं ए लिख लेता हूं। बिल्कुल सर सही है। अब डेंसिटी हमें दे रखी है इसकी पावर में बी लिख लेता हूं, और हमें दे रखा है वेवलेंथ लैम्डा इसकी पावर में लिख लेता हूं सी। ठीक है, अब इसको आप लोग अगर डायमेंशन की फॉर्म में लेके चले तो इसकी जो आ जाएगा ये हो जाएगा एम जीरो एल टी की पावर माइनस वन। अब हमें ये क्या दे रखा है, सरफेस टेंशन दे रखा है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव दे रखा है, तो इसकी जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो हो जाएगा एम एल जीरो टी की पावर माइनस टू। ठीक है सर जी। अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की, तो डेंसिटी अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल सर, तो एम एल माइनस थ्री ये बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल मीटर में होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो अब इसको अपन लोग कंपेयर कर लेते हैं या इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसे। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो एम ए यहां से ए आ जाएगा, बिल्कुल यहां से आ जाएगा बी। ठीक है, इधर तो है ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं एल बी, तो ये तो जीरो है इससे मतलब नहीं है, ये आ जाएगा माइनस का थ्री बी। ठीक है, और इधर से आ जाएगा प्लस का सी। ठीक है, अब बात करते हैं, अब रह गया हमारे पास टी, तो इधर से जो हमारे पास बनना है टी की बात करें तो यहां से टी यहां पे है माइनस टू ए। ठीक है, अब हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं सर, तीन वेरिएबल है तीन इक्वेशन बननी चाहिए, तो ए प्लस बी जो आएगा हमारे पास ये तो जीरो पहली इक्वेशन हो गई, माइनस थ्री बी प्लस माइनस थ्री बी प्लस सी ये कितना आएगा वन आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं अपने लोग टी की, तो माइनस टू ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, तो ए इक्वल टू तो हमें सिंपल सा मिल गया यहां से वन बाई टू, वन बाई टू। अब यहां से अगर मैं रखूंगा बी की तो पहली वाली इक्वेशन रख देंगे, बिल्कुल सर, तो बी इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा माइनस का वन बाई टू। बिल्कुल ठीक है सर,
अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमें क्या बचा हमारे पास, वेरिएबल सी बचा है, सी की वैल्यू यहां से लिखते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस का 3, बी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये बचेगा 3 बाई 2, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो 1 माइनस 3 बाई 2, सी कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 बाई 2, बिल्कुल सर। अब इसको हम लोग इसमें रख देते हैं, तो ये जैसे पूछना चाह रहे हैं जो है ना वो वर्ग पूछना चाह रहे हैं, मतलब स्क्वायर ऑफ स्पीड पूछना चाह रहे हैं, तो जैसे अपन वी की बात करेंगे तो सर वी अपना आ जाएगा सिग्मा की, सिग्मा आ रहा है हमारे पास, ए की वैल्यू अपने पास आ रही है 1/2, तो ये हो गया वी प्रोपोर्शनल सिग्मा की पावर 1/2, 1/2 आ गया। फिर दूसरा जो है रो, रो के पावर बी माइनस 1/2, माइनस 1/2 आ गया, की पावर माइनस 1/2, और लैम्डा की पावर आ गई माइनस 1/2, लैम्डा की पावर माइनस 1/2। तो यहां से यदि अपन बात करें तो वी स्क्वायर जो अपने पास आ रहा है वो आई थिंक सिग्मा अपॉन रो इनटू में लैम्डा निकल कर आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सर, तो सिग्मा रो बाय लैम्डा फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हमसे वर्ग पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है, तो अपन ने पहले वी से निकाल लिया फिर उसको स्क्वायर कर, फिर उसको हमने स्क्वायर कर दिया। चलिए ठीक सर, अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, नेक्स्ट में बोल रहा है दैट इफ मोमेंटम एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन एनर्जी एज द डायमेंशनल फार्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं ना सर, तो जेई मेन में ना पिछले टाइम से कुछ, जब से ये ऑनलाइन जेई मेन शुरू हुआ है अपने दो स्लॉट में जब से हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लेते हैं, फिर उन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी पूछी जाती है। तो अपन जो पीछे करके आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन किए कि उसके प्रोपोर्शनलिटी शो करनी होती है, तो अब हमें बस केवल उन पर डिपेंडेंसी तो शो करनी है, मतलब ऐसा एक फॉर्मूला ही अपने को कैलकुलेट करना है। तो जैसे बात करें वो डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी एज द डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी प्रोपोर्शनल मोमेंटम बोले तो पी रेस टू द पावर ए, फिर एरिया आ जाएगा हमारे, एरिया तो एरिया की पावर बी बी, और फिर टाइम, टाइम की पावर सी सी। यदि अपन यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है एम एन टू टी माइनस टू माइनस टू। इधर बात करें तो एक तो है मोमेंटम, मोमेंटम अब बोला नहीं है उन्होंने, एंगुलर है कि लीनियर है, मतलब लीनियर मानना है अपने को, लीनियर मानना है ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास एमएल टी माइनस वन रेस टू द पावर ए। फिर दूसरा एरिया, एरिया बोले तो एल टू रेस टू द पावर बी, बी आ जाएगा, और तीसरा टाइम, टाइम है तो बोले तो टी रेस टू द पावर सी। इधर से तो अपने पास वही वाली चीज एमएल टू टी माइनस टू, पर इस वाली साइड में यदि अपन पावर्स देख ले पहले तो एल की पावर तो सीधा सीधा ए आ जाएगा, और एल की पावर की बात करें तो ए प्लस टू बी, और टी की पावर की बात करें तो माइनस ए प्लस का सी। सिंपल सा है सर, अब तो आगे कंपेयर करते हैं अपन, तो ए की पावर तो सीधी सीधी अपने पास, ए की तो सिंपल से मिल गया अपने, वन आ गया, वन आ गया। फिर टू की बात करें तो टू इज इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस टू बी, ए प्लस टू बी की यदि अपन बात करते हैं तो ए की वैल्यू वन है, जैसे अपन इसमें पुट करेंगे टू इज इक्वल टू वन प्लस टू बी, तो टू बी की वैल्यू अपने पास वन, तो बी की वैल्यू अपने पास आ गई वन बाई टू, वन बाई टू आ गया। अब मेरे को केवल सी निकालना है, सी निकालना है, तो टी कंपेयर कर ले, तो से कंपेयर कर लो आप, टी के लिए वो बोल रहा है उधर तो है माइनस टू, माइनस टू, और इधर है माइनस ए प्लस सी, तो रखे ए की वैल्यू वन माइनस वन प्लस सी, तो सी अपना आ गया कितना माइनस वन, सही है। अब इसको तो सर देखो पी के प्लेस पी की पावर तो अपने को क्या पुट करनी है, वन, पी की पावर वन, ए की पावर वन बाई टू, वन बाई टू, और टी की पावर माइनस वन, मतलब ये वाला जो है ना फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो गया। चलो जी सर आगे बढ़ाते हैं बात को, अपन क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो इसमें बोला है इफ ई एम एंड एल एंड जी डिनोट एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिव, कैपिटल जी होगा ये, कैपिटल जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली द क्वांटिटी ई एल स्क्वायर एम की पावर 5 जी स्क्वायर, तो इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, तो एक तो सिंपल सा तरीका ये अपने लोग इसमें सीधे डायमेंशन पुट कर दें, डायमेंशन पुट कर दें, डायमेंशन पुट करके जो वैल्यू आएगी अपने सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है, तो उसको अपने लोग लेके चलते हैं। तो जैसे हमें दे रखा है ई एल, तो लिख लेता हूं ई एल स्क्वायर एम की पावर 5 एम की पावर 5 और जी स्क्वायर, तो सर अब अपने लोग जैसे अब ये याद होता है मोस्टली एनर्जी की अपने लोगों को याद है, एल की एंगुलर मोमेंटम है
तो इसकी अपने डायमेंशन याद है, एम है इसकी भी डायमेंशन बच्चों को याद है, मेन क्या रहता है हमारे पास जी रहता है। तो जी को अपने लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी को कैलकुलेट करेंगे अपने लोग फार्मूला लगाते हैं एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल, सबसे पहले अपने लोग जी लिख लेते हैं। बिल्कुल सर, तो अगर मैं लिखूं तो एफ इक्वल टू आप लिखोगे जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। तो अगर यहां से अपने लोग जी की लिखें तो जी को इस तरीके से लिख सकता हूं मैं एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू। ठीक है सर, बिल्कुल सही। आप इसमें अपने लोग लिख लेते हैं तो ये बनेगा एम एल, ये एल स्क्वायर आ गया और ये एम स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर आ गया। तो आप अगर इसको अपने लोग सिंप्लीफाई करें तो जी अपने पास बनेगा एम माइनस वन एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू माइनस टू। तो ये तो सर हमारे पास पहली इक्वेशन बना लेते हैं अपन लोग। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अब एनर्जी लिख लेते हैं अपन लोग। अगर एनर्जी की जो डायमेंशन अपन लोग लिखेंगे ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है सर, अब ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। तो अगर बच्चों को एंगुलर मोमेंटम याद नहीं होता तो ये वाला तो फार्मूला सबको याद रहता है, एल इक्वल टू एम बी आर। बिल्कुल सही है, सही है। तो अपन लोग एम और बी और आर की इसमें रख देते हैं तो ये बन जाएगा, ये तो एम हो गया एल टी की पावर माइनस वन और ये एल, अगर अपने लोग इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। बिल्कुल सही। अब तो एम तो एम एम है, मास है, मास है। अगर अपन लोग इसमें जब रखेंगे ना तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है ई एल स्क्वायर एम फाइव जी स्क्वायर। अब इसमें रख देते हैं तो पहले ई की वैल्यू रखेंगे अपन लोग एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। अब हमें यहां पे ध्यान रखना है कि जो एल है वो स्क्वायर करना है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पावर भी अपने डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल की पावर फोर टी की पावर माइनस टू आ जाएगा। अब क्या बचता है हमारे पास एम और जी की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, जी स्क्वायर है लेकिन। हाँ, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बन जाएगा एम ये एल की पावर सिक्स और ये टी की पावर माइनस फोर। आई थिंक ये तो कुछ भी नहीं बच रहा है सर। अब इसमें जब आप सॉल्व करो तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये आ रहा है अपना डायमेंशन ले लो एल जीरो एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है। अब यदि अपन यहां से ऑप्शंस की बात करें तो जैसे फर्स्ट वाला बोल रहा है मास नहीं हो सकता, लेंथ नहीं हो सकता, टाइम नहीं हो सकता, एंगल हो सकता है। अब देखो सर, एंगल और सॉलिड एंगल ये दो ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास यूनिट होती है मगर डायमेंशन नहीं होती, बट डायमेंशन नहीं होती है। इनकी यूनिट जो है एंगल की तो होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्ट्रेट रेडियन। ये ऐसी दो क्वांटिटीज है, इनको अपन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी दो क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट तो है बट उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, नहीं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। तो सर अगला क्वेश्चन डिस्कस करें अपना, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है दैट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्मड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्वेश्चन भाई पिछले वाला सा है, वैसा ही क्वेश्चन है। हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज माननी है तो हम जैसे ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्पीड ऑफ लाइट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, इन तीनों को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया और इन तीनों से हमें एक लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग मेथड से प्रिफर करता हूँ क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस बच्चे जैसे याद करते हैं ना, फोर्स का डायमेंशन कर लिया, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिया, प्रेशर का कर लिया, 10-20 डायमेंशनल फॉर्मूला याद करते हैं और फाइनली एग्जाम में अपन देखते हैं तो कैपिटल जी का एप्सिलॉन नॉट का म्यू का ये डायमेंशनल फॉर्मूला काम आते हैं जो पता चलता है डिराइव ही करने पड़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो उससे बढ़िया ये है कि अपन फॉर्मूलाज याद रखें जिनसे वो कैलकुलेट हो सकते हैं, ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखें। तो जैसे मैं ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चूज करता हूं सबसे पहले, तो फोर्स का अपने पास एक फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यदि मैं चार्ज को ई से रिप्लेस कर दूं तो एफ आर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास। बिल्कुल सर। तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एम
एल थ्री टी माइनस टू से, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। सी और जी की मेरे को चाहिए, और तो सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन होता है। जी को इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जी को इसी तरीके से निकाल ले जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मेरे पास एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू के इक्वल आ रहा है। तो अपन बोले तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है मेरे पास वो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर होगी टू हो गई। अब मेरे को लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है सर, लेंथ का, और स्पीड ऑफ लाइट का भी लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट सी वो मेरे पास हो गया एल टी माइनस वन वन, तो यहां से एल प्रोपोर्शनल आ जाएगा सी की पावर एक्स जी की पावर वाई और ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर, इसको जेड, इसको अपन जेड बोलते हैं। अब तो दोनों साइड्स में मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मेरे को डायमेंशनल कंपेयर करनी, इधर एम तो एल का एम एल वन टी जीरो, सी का मेरे पास हो गया एल टी माइनस वन इसकी पावर एक्स, जी की बात करें तो जी अपना ये रहा एम माइनस वन एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर वाई, और ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की यदि अपन बात करें तो वो मेरे पास आ गया एम एल थ्री टी माइनस टू की पावर जेड। अब अपन कंपेयर कर लें सर, तो इधर एम जीरो एल वन टी जीरो, इधर है एम की पावर माइनस वाई प्लस जेड, एल की पावर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, और टी की पावर माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जेड। सही आ रहा हूं सर? सही है सर। अब यदि अपन पावर्स कंपेयर करें तो सबसे पहले एम वाली कर ले, सबसे आसान वही दिख रही है, सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस जेड, मतलब वाई और जेड तो है। अब आगे बात करें एल को कंपेयर कर लेते हैं, तो अपन मैं जहां भी वाई दिख रहा जेड दिख रहा होगा मैं उसको वाई से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, ताकि मेरी इक्वेशंस में वेरिएबल दो ही बचेंगे। हाँ। इधर तो है वन, तो वन इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स वाई आ जाएगा। अच्छा, फिर इस वाले से बात करें इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे तो जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस फोर वाई, फोर वाई मतलब एक्स मेरा माइनस फोर वाई के इक्वल है माइनस। हाँ ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें रखता हूं तो वन इज इक्वल टू माइनस फोर वाई प्लस सिक्स वाई, मतलब वन जो है वो टू वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू आ गई, मतलब वाई मेरा वन बाई टू है, y 1 by 2 है तो x की वैल्यू माइनस टू है, माइनस टू है, और z की वैल्यू जो है y के इक्वल है, मतलब 1 by 2 है, मतलब x जो अपन ने लिया था वो तो c की पावर थी, ये तो हो गया माइनस टू, माइनस टू हो गया, ये प्लस 1 by 2 और 1 by 2 प्लस 1 by 2। तो यदि अपन अपने वाले में आके बात करें तो मेरे को c तो चाहिए माइनस टू, माइनस टू वो नीचे आ जाएगा, हमने एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, g और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए प्लस 1 by 2 में, 1 by 2 तो 4 फोर्थ ऑप्शन, या ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो अपना है वो करेक्ट हो गया सर। चलो आगे बढ़ाएं बात को, आगे बात करते हैं। ये बोला है ए स्मॉल स्टील वॉल ऑफ रेडियस आर इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी थ्रू ए कॉलम ऑफ ए विस्कस लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ वॉल अटेन्स ए कॉन्स्टेंट वैल्यू नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी बी डी, द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ वॉल ईटा रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक बॉल दे रखी है, ठीक है, वो उसमें विस्कस लिक्विड में गिर रही है, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कैसे डिपेंड कर रही है, ये चार पैरामीटर में दे रखे हैं, एक तो दे रखा है मास, एक दे रखा है ईटा, एक दे रखा है रेडियस और एक एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको अपने लोग उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो पहले अपने लोग लिखते हैं जो बी टी है वो डायरेक्टली किस पे है, मास पे है, इसकी पावर मैं ए लिख लेता हूं सर, बिल्कुल सर, ठीक है। फिर रेडियस इसकी पावर बी लिख लेता हूं मैं, ईटा दे रखा है इसकी पावर मैं सी लिख लेता हूं, और जी दे रखा है इसकी पावर मैं लिख लेता हूं डी, ठीक है। अब देखो सर इसमें ये जो क्वेश्चन है ना इसमें हमें करना क्या, देखो अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसमें चार वेरिएबल बन गए हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, मगर हम लोग डायमेंशन लेके चले तो उसमें क्या लेके चलते हैं एम एल और टी लेके चलते हैं, क्योंकि उधर चौथा डायमेंशन आ ही नहीं रहा, चौथा डायमेंशन आ नहीं रहा, जैसे मैं इसमें लिख के दिखाऊं ना सर, तो ये मेरे पास बन गया m0 l t माइनस वन, इधर मेरे पास आ गया m रेस टू द पावर a l रेस टू द पावर b नीटा, नीटा बोले तो
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसको हम लोग f इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी से f इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नीटा जो है वो ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l2 t माइनस 1, तो ये अपने पास आता है ml माइनस 1 t माइनस 1, तो ये अपने पास ml माइनस 1 t माइनस 1 रेज टू द पावर c, ये आया l t माइनस 2 रेज टू द पावर d। तो अब यदि अब आप कंपेयर करते हो ना सर, तो इधर आपके पास तीन इक्वेशंस आ सकती है, 0 1 और माइनस 1 जो है, m की पावर इधर a है प्लस में c आ जाएगा, l की पावर में b माइनस c प्लस d आ जाएगा, t की पावर में माइनस c प्लस माइनस में माइनस 2 d आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये कि इक्वेशन बन रही है तीन और वेरिएबल आ गए चार, तो इस टाइप से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं भाई। यदि किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स ज्यादा है इक्वेशन से, ये नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसा तो अपने पास तो दिख ही नहीं रहा, अपने को तो एक ऑप्शन चूज करना है, एक तरीका लगा सकते हैं सर इसमें। बिल्कुल, वो अगर जैसे मान लो m और g को अगर मैं एक साथ ले आऊं ना, बिल्कुल सर, तो ये फोर्स बन जाएगा। और यदि अपन इस चीज को थोड़ा सा समझना भी चाहे ना सर, तो जितने ऑप्शंस है ना सर, उन सारे के सारे ऑप्शंस में mg ही लिखा हुआ है साथ में, कहीं भी m और g अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो मतलब mg को एक साथ मान के, फोर्स मान के, mg को अपन फोर्स मान के और फिर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अच्छा, एक इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सा, जैसे मैं वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, f = 6 पाई थीटा आर वी, यदि कोई स्टूडेंट फॉर्मूलाज उसको याद है ना सर, तो ये क्वेश्चन सीधा हो जाएगा। f तो मेरा है mg, ये फोर्स हो गया, नीटा और आर तो दिख ही रहे, हाँ, 6 पाई को डायमेंशन नहीं, 6 पाई को डायमेंशन नहीं है, तो मेरे को v का लगाना, तो मैं सीधा सीधा फर्स्ट वाला ऑप्शन वो करेक्ट कर सकता हूँ। बाकी इसको अपन उस वाले तरीके से भी करेंगे, तो ये तो शॉर्टकट हो गया, अब हम लोग उस तरीके से सॉल्व। बिल्कुल सर, तो जैसे हम लोग इधर अपने लोगों ने bt लिखा, अब जैसे अब सीधे लिख देता हूं मैं mg, बिल्कुल mg के प्लेस पर अपन फोर्स लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पहले इसको mg a लिख लेते हैं। बिल्कुल सर, फिर थीटा की पावर b और r की पावर c लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको फोर्स लिख लेते हैं, ये ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो bt हमने लिखा, इसको लिखा अपने लोगों ने फोर्स a ईटा बी आर की पावर सी, चलो आर की पावर सी लिख लिया। अब इसकी डायमेंशन रख देते हैं, तो ये तो बनेगा हमारे पास एल टी माइनस वन फोर्स एम एल टी की पावर माइनस टू ए ईटा, ईटा पर लोगों ने निकाला था एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो ये बी आ गया, और आर तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपने लोग अब इसमें पहले और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे। बिल्कुल सर, तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास ये, फिर अगर हम लोग एल लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। अब टी लिख लेते हैं, बिल्कुल, तो टी की पावर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू ए माइनस बी, बस इतना ही है। तो ये हमारे पास आ गया एल टी की पावर माइनस वन। अब इसको अपने लोग पावर कंपेयर कर लेंगे इसमें, सिंपल सा। तो अगर हम लोग पावर कंपेयर करें तो ए प्लस बी जो है, बिल्कुल, ए प्लस बी तो अपना जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, मतलब ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी, ये अपने लोग पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने लोग यहां से लिख लेते हैं ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, वन, तो ए इक्वल टू माइनस बी तो है, तो या माइनस बी इक्वल टू ए लिख लिया हमने लोग, तो ये कितना आ गया टू ए सी इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। बिल्कुल, अब हमारे पास एक इक्वेशन और चाहिए हमें, माइनस टू ए माइनस बी, ये हमें कितना मिलेगा यहां से, माइनस माइनस वन, ये माइनस वन आ गया। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख लू a के प्लेस पर, माइनस बी के प्लेस पर a पुट कर देते हैं, माइनस बी की प्लेस पे a पुट कर देते हैं, तो 2a ये कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस a माइनस बी माइनस 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी ये कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब a तो 1 आ गया, a बनाते ही b माइनस 1, b माइनस 1 हो गया, तो ये सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। और c जो है वो भी माइनस 1 आ जाएगा, c भी माइनस, यहाँ पुट करोगे यहाँ 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी की वैल्यू आ गई माइनस, माइनस, मतलब ये
mg ऊपर रहेगा, नीटा और r नीचे रहेंगे, और वही वाला फॉर्मूला जो अपन ने पहले निकाला था फर्स्ट वाला जो वो करेक्ट वो अच्छा। तो ये तो अगर इस तरीके से कर लिया आप लोग f = 6 फॉर्मूला याद है तो फिर तो बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे हो जाएगा। चलो सर आगे बात करें, जैसे बोल रहा है दैट लेंथ स्केल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट एंड द एब्सोल्यूट टेंपरेचर द नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम n ऑफ सर्टेन चार्ज्ड पार्टिकल द चार्ज q कैरीड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर l इज डाइमेंशनली करेक्ट। l के लिए वो डाइमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, मतलब बोले तो लेंथ के लिए जानना चाह रहा है सर लेंथ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। वैसे यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब देखो जहां भी आप देखोगे ना कुछ चीजें जो आपके साथ चल रही हैं क्वेश्चंस में वो के भी साथ q स्क्वायर के साथ एप्सिलॉन चल रहा है। हां मतलब ये मैं ट्रिक बतला रहा हूं कि q स्क्वायर के साथ आपका हमेशा एप्सिलॉन चल रहा है। आप क्वेश्चन को एक बार देखो तो पहले ऑप्शंस देख लो। हां तो q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन का डायमेंशन अपन सीधा निकाल लेंगे, ठीक है बात है। और एक जो है kb के साथ p चल रहा है, kb के साथ p चल रहा है सारी इक्वेशंस में, n जो है वो घूम रहा है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n हमें दे रखा है इसमें। तो सर मैं इस क्वेश्चन को जो प्रेफर करने का मेथड जो बताता हूं कि साहब q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन के लिए बात करें तो q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r जो है ना सर ये फोर्स हो जाता है, ये मेरे पास r स्क्वायर फोर्स होता है, मैंने r ले लिया तो सीधा वो एनर्जी का एनर्जी आ गई। अब एनर्जी जो है ना सर वो 3/2 kt होता है। बोलो सर। हाँ ये अपने लोगों ने काइनेटिक थ्योरी से लिख लिया, काइनेटिक थ्योरी से लिख लिया सिंपल। तो अब मतलब मैं तो वैसे तो बोल ही नहीं रहा कि भाई ये दोनों इक्वल तो नहीं है, पर डायमेंशनल फॉर्मूला तो इक्वल है। तो मेरे पास जो q स्क्वायर, अब मैं कांस्टेंट तो हटा दूं और डायमेंशन वाली क्वांटिटीज रख लूं तो q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो मेरे पास kb * t के इक्वल है। तो सर q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन इंटू में kb * t जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास r का आ गया इक्वल है। ये तो बहुत सही तरीका है। अब इसके लिए आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे सर, मतलब यदि स्टूडेंट ऑप्शन देख के चलता है प्रॉपरली तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज ही नहीं है। तो ये तो अपने पास सीधा सीधा, अब देखो सर इस वाले में q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t, q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t, q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t और q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t, हां मतलब ये जो सारी क्वांटिटीज हैं ये r हो गया, मैं सबका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो r लिख सकता हूं। तो मेरे को मतलब डिपेंडेंसी अब केवल दो ही क्वांटिटीज की कंपेयर करनी है, l के साथ एक तो r को रखना है और एक मेरे को n को रखना है जो कि संख्या घनत्व है, मतलब नंबर अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया सर। अभी अब अपन इसमें आगे बात करें ना सर, देखो पर अब पंगा ये हो गया है कि अब आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि l प्रोपोर्शनल r की पावर a और n की पावर b, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये भी लेंथ है, हाँ ये भी लेंथ है, इधर भी लेंथ है, तो इक्वेशन बनेगी एक और वेरिएबल आएंगे दो। तो फिर इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सर मैं प्रेफर करता हूं कि अब आप ऑप्शन बाय ऑप्शन वाइज से पहले, तो पहला वाला जो ऑप्शन है अपना अपन उसकी बात करें, ये q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t तो r के इक्वल है। अब मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन बात कर लेता हूं, जैसे फर्स्ट वाले राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं सर, तो n जो है वो हमारे पास संख्या घनत्व है, संख्या तो l की पावर -3 आएगा -3 और q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t ये तो l के इक्वल ही है, तो ये हो गया l की पावर -2 और -2 को अंडर रूट आप डालोगे तो ये l की पावर -1 आएगा, इधर तो +1 चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में q स्क्वायर n जो है वो तो नीचे तो मतलब 1/l की पावर -3 हो गया और ये वाला अपने पास l आ ही रहा है और उसका अंडर रूट है q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन kb * t, तो ये आ गया l की पावर -2 ऊपर गया तो +2 और +2 का अंडर रूट लिया तो कितना l हेलो तो यही आता है लेफ्ट साइड में, यही चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है सर सेकंड ऑप्शन, सेकंड होगा बट बस इसमें ये वाली चीज यदि क्लिक नहीं करती है ना कि q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन kb * t, तो सर q स्क्वायर अपन q स्क्वायर के लिए अलग निकालेंगे, एप्सिलॉन के लिए अलग निकालेंगे, लेकिन kb के लिए अलग निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल सा हो जाएगा और बहुत टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हर के अलग डायमेंशन लिख के कंपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन बोला इन ए न्यू मेजरमेंट सिस्टम यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम आर टेकन एज 1 मिलीग्राम 1 मिलीमीटर एंड 1 सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू टू 1
न्यूटन इन मेजरमेंट ऑफ सिस्टम। तो सर जो अपने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा था ना यहाँ, बिल्कुल कि जहाँ पे एन यू जो आपने बताया था कि एन यू वो कॉन्स्टेंट होता है, तो उस वाले उससे यूज कर लेते हैं अपने लोग। बिल्कुल सर। तो जैसे अभी आपने बताया था जो सेकंड क्वेश्चन में था कि एन और यू जो है ये क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है। तो अब इसमें दो सिस्टम हमें दे रखे हैं, तो एक को मैं लिख लेता हूँ एन वन यू वन और दूसरे को लिख लेते हैं एन टू एन टू यू टू। तो इसको मैंने लिखा एन वन यू वन एन टू यू टू, ठीक है। अब पहले वाले सिस्टम में हमें क्या बोल रहा है कि मापन पद्धति में एक न्यूटन का इसको पहली मान लेते हैं, ये जो वन है इसको अगर मैं पहला सिस्टम मान लेता हूँ और ये जो है इसको अपने लोग सेकंड सिस्टम मान लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। सही है। तो एन वन जो आएगा ये सिंपल सा वन दे रखा है, तो इसको मैंने वन लिख लिया, ठीक है। और न्यूटन की बात हो रही है, मतलब फोर्स तो कितना हो जाएगा ये एम एम वन एल वन टी की पावर माइनस टू और यहाँ पे वन। सही है, जो आपने बताया वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे सर। अब N2 की बात करते हैं, N2 हमें फाइंड करना है। अब U2 जो अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा M2 L2 T2 की पावर माइनस टू, ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं N2 को लेके लिखूंगा तो ये M1 ऐसे लिख लेते हैं सर। बिल्कुल। और L1 L2 है तो L1, L2 और ये हमारे पास T1 अपॉन T2 की पावर माइनस टू। तो ये हमने अपना रोल लिख लिया, तो ये तो पहले वाला सिस्टम चल रहा है अपने पास, ये दूसरा वाला सिस्टम चल रहा है। अब चाहे इसको इसमें कंपेयर कर ले, कन्वर्ट कर दे, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट कर दे, तो अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो N2 की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, M1 को तो मैं पुट कर सकता हूँ 1 kg। हाँ। M2 को 1 मिलीग्राम है। वन तो 10^-6 kg आ जाएगा। L1 जो है वो 1 मीटर, L2 जो है वो 1 मिलीमीटर, 10^-3 मीटर। और ये तो सेकंड 1 ही दे रखा है, तो 1 सेकंड बाय 1 सेकंड 1 सेकंड पावर माइनस 2 माइनस 2। ये तो साधक प्राप्त कर गया, या मीटर साधक प्राप्त कर गया, kg साधक प्राप्त कर गया। तो ये आ गया डाटा मेरे पास जो आ रहा है 9, ये प्लस 6 ऊपर और ये प्लस 3 ऊपर, तो 10^9 10 की पावर। तो अपना आंसर हो जाएगा गुरु नीति कर रहे हैं जेई वाला, इसमें हर एक चैप्टर को बेटा हमने परफेक्टली, मतलब हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कुछ इस टाइप से करने की कोशिश की, और हर एक कंसेप्ट पे लगभग एक या दो क्वेश्चन रखने की कोशिश की, ताकि जब आप गुरु नीति देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये तो हो कि जब आपने यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट का गुरु नीति देखा है तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीटली रिवाइज हो जाए। तो हमने बिल्कुल इसको ऐसे ही पोर्शन में डिवाइड किया है, जैसे आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन जो है वो लगभग दो क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, ताकि आप यदि प्रैक्टिस करना चाहें तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो पाए। एक बार सोल्यूशन देख लो, दूसरा वाला अपने ट्राई करो, दूसरा ट्राई करो, और कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो, तो एक क्वेश्चन हमने किया, एक बच्चा कर रहा है तो उसको पता तो चले कि मैंने सीखा है या नहीं सीखा है। तो हमारा जो गुरु नीति है जेई के लिए वो कंप्लीटली इसी चीज पर बेस्ड है कि हम आपको एक चैप्टर का यदि लेक्चर दे रहे हैं तो बेटा वो चैप्टर आपका 100% रिवाइज हो जाए। तो पहले वाले पोर्शन में अपने अभी तक यूनिट डायमेंशन को लेकर रिविजन दिया है, और सेकंड वाले पोर्शन में अपन एरर और मेजरमेंट को कैसे करेंगे। तो उसमें सर जो अपने लोगों ने यूनिट वाली बात करी, तो सब तो कॉन्सेप्ट लोगों ने उसमें कवर कर लिया। बिल्कुल सर, सारे कॉन्सेप्ट वैराइटीज पे एक एक दो दो क्वेश्चन अपन ने लोगों ने रखे। तो चलो सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। दे बोल रहे दैट फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल्स ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी एज फॉलोस। कुछ रिलेशन ऐसा दे रखा है a²b³c/√d। The percentage are in measurement of A, B, C, and D are 1%, 3%, 2%, and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity capital A? तो ये तो वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर, कि भाई अपन जब कैपिटल ए में एरर मेजरमेंट कर रहे हो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस के साथ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 वाला जो अपन काम में लेते हैं, फ्रैक्शनल के साथ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज, दैट इज 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस में डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस में 1/2 इंटू में डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100।
अब मैं इसके साथ दो चीजें और डिस्कस करूंगा, पहले अपन इसको कर लेते हैं सर। हाँ, पहले तो ये तो हो गया अपना 2%, ये 2% हो गया और बी हमें पहले से है तो ये 4 हो गया, 4% हो गया, ये बी दे रखा है 3 तो ये हो गया अपना 9%, सी दे रखा है हमें 2%, 2% तो ये हो गया अपना 2%, 2 ही रहेगा, और डी वाला जो है वो दे रखा है 2 तो ये हो जाएगा 1%। तो टोटल अपने पास जो आ रहा है दो चीजें और पूछी जाती है। फर्स्ट तो ये कि वो बोलता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मोस्ट प्रिसाइजली यदि हम मेजर करें तो अपन कैपिटल ए में जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सकते। हाँ, ये क्वेश्चन आता है वो बी को लेकर होना चाहिए। क्वेश्चन रहता है कि विच क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड मोस्ट प्रिसाइजली सो दैट एरर इन कैपिटल ए कैन बी मिनिमाइज्ड, तो अपना आंसर जाएगा सर बी, बी आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर मैक्सिमम है तो उसका परसेंटेज जो पार्टिसिपेशन है ना एरर में वो मैक्सिमम है। इसमें सर एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे कभी कभी पूछता है कि मतलब ये जैसा फार्मूला दे रखा है इसमें पूछेगा कि मतलब कौन सी क्वांटिटी एरर ज्यादा देगी, बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वही बात तो वही आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा वो। अच्छा अब दूसरा सुनना सर, दूसरा क्या है कि जैसे ये बोल रहा है 1%, 3%, 2% एंड 2%, कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को ऐसे लिख देते हैं, ये हमें उसको प्लस वन ही लिखना पड़ेगा। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 जो है उसको प्लस माइनस 3 लिख सकते, हमें उसको माइनस 3 लेना पड़ेगा। तो यदि ये वाला डाटा रहता है सर तो इसका आंसर जाएगा फिर ना तो प्लस माइनस आएगा, बाहर तो प्लस माइनस का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसका आंसर अपने पास चला जाएगा 2% प्लस में 3 इंटू ये वाला डाटा माइनस में, तो माइनस का 9%, ये प्लस में जा रहा है सी की पावर 1 जा रही है तो प्लस का 2%, और डी वाला माइनस में जा रहा है तो ये -1/2%, तो ये अपना आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि प्लस और माइनस दोनों टाइप की एरर्स यदि दे रखी हो, क्योंकि जनरली जो एरर देता है वो देता है कि ये बोल के कि हाँ ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन जो है ना उसको बाउंड कर दिया आपने एक साइड में कि भाई एरर आएगी ना ए में तो प्लस 1% ही रहेगी और उसमें मैक्सिमम एरर जो रहेगी ए में वो प्लस में ही जाएगी, मैक्सिमम एरर जो बी में जाएगी वो माइनस में जाएगी और 0 से -3% में बी में वेरी करेगी, इसका मतलब ये होता है। नेगेटिव लगा दे तो मतलब वो नेगेटिव एरर है, बिल्कुल सर नेगेटिव एरर है। ठीक चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात, आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये बोला क्वेश्चन नंबर 14 है द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स, देन रैंडम एरर इन अर्थमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन वुड बी। तो इसमें सर सिंपल सा, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी एरर कम होती है, तो इसमें 100 ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक्स दे रखा है तो अगर मैं इसको लिखूं 100 के लिए x तो 100 है भाई x into 4 ये सीधा आ जाएगा तो ये x by 4 हो जाएगा सिंपल सा, बिल्कुल सर। ठीक है जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा होंगे उतनी एरर हमारी कम होती चलेगी, उतनी एरर रैंडम एरर जो होगी वो कम, हाँ, वो कम हो जाएगी। रैंडम एरर कई चीजों से आ जाती है, रीडिंग लेने से भी, रीडिंग में कुछ एरर्स हो जाए कि अपन कुछ मेजर कर रहे हो अपन देख नहीं पाए प्रॉपरली, भाई अपने को देखना 1.1 था अपन लेंथ मेजर करते टाइम 1.2 ले लिया, तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करें, और जितना टाइम्स आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज करते हैं जैसे आप 200 टाइम्स करते हैं तो एरर 1/2 हो जाएगा, 400 किया तो 1/4, 800 करते तो 1/8, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज होते हैं एरर उसी फ्रैक्शन में डिक्रीज हो जाती है। चलो सर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ये बोला The 4 person used the same stopwatch of least count 100 millisecond to measure the time period of a pendulum. Which of the following assertions are possibly correct? कि चार व्यक्ति हैं और चारों के पास एक ही stopwatch है। इस stopwatch का जो least count है वो 100 millisecond है, मतलब 0.1 second है। 0.1 second अब अपन जो least count होता है ना सर,
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो उसमें एरर होता है। मतलब जैसे अपन अपनी स्केल से मेजरमेंट लेते हैं, तो हमारी जो स्केल है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, जनरल जो स्केल अपन लेते हैं उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो स्केल की जो रीडिंग रहेगी ना वो 0.1, भाई वो कभी भी हमारी स्केल से 1.15 सेंटीमीटर मेजर नहीं हो सकता। तो कई बार क्या है, स्टूडेंट्स ऐसे बीच में देखिए कि चलो देखो इधर 1.1 आ रहा है, इधर 1.2 आ रहा है, लेंथ बीच में से आ रही है, तो अपन लिख देते 1.15, वो लिख देते हमारा, उसमें एरर होती है, वो करेक्ट ही नहीं है। हाँ, मतलब वो लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ, जितना लास्ट पॉइंट के बाद ये वाला जो डिजिट है ना, यही रीडिंग होती है, इसके बाद की रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल ही नहीं होती। नहीं। तो अब यदि जैसे मैं इस वाले केस में बात करूं, तो अपने पास यहां 100 मिलीसेकंड का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब 0.1 सेकंड बता सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सन पॉइंट के बाद एक डिजिट बता रहा होगा, उसका आंसर तो है करेक्ट, उसका सही हो जाएगा। और जो पॉइंट के बाद दो डिजिट का आंसर दे दिया, वो दोनों गलत, वो सारे गलत, सारे गलत हो जाएंगे। तो जैसे इन्होंने कहा, द फर्स्ट पर्सन सेज द टाइम पीरियड इज 3.75 सेकंड, गलत। सेकंड पर्सन सेज द टाइम पीरियड इज 2.1 सेकंड, करेक्ट बात है सर। थर्ड पर्सन सेज द टाइम पीरियड इज 3.70 सेकंड, गलत हो गया। फोर्थ वाला भी गलत हो गया, क्योंकि रीडिंग तो इन्होंने भी 2.92, क्योंकि इधर जो लास्ट वाले जो दो आ रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट के बाद दो रीडिंग आ ही नहीं सकते हमने, बिल्कुल नहीं जा सकते सर, इसलिए गलत हो गया। चलो सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, स्टूडेंट वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर द मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम, दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड और रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल, लीस्ट काउंट फॉर द लेंथ 0.1 सेंटीमीटर एंड लीस्ट काउंट फॉर द टाइम 0.1 सेकंड। तो अब हमें ये सर इसमें ना तीन स्टूडेंटों ने जो स्टूडेंट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, ठीक है, अब उनका ऑब्जर्वेशन उसने लिखा हुआ है। तो अब हमें ये पता करना है कि मतलब इसमें जो इन्होंने एरर लिया E1 या E1st E2nd लिखा है, इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालनी है, ठीक है। तो अब सर इसमें ना देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दो चीजें दे रखी है, एक तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है, बिल्कुल, और टोटल टाइम दे रखा है, और इधर टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। तो सर इसमें जो हमने फार्मूले पढ़े हैं वो T = 2π√L/g वो एक टाइम पीरियड के लिए है, मगर अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं और उसका ये इसका टोटल टाइम दे रखा है, फिर आगे टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन है, बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं सर इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं तो इसका क्या करेंगे, आपने इसको कंसिडर क्यों नहीं करा। तो मेन पॉइंट तो अपने लोगों का क्वेश्चन ये लेने का यही है कि इसमें हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लें जिससे बच्चों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लोग लीस्ट काउंट जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं इधर साइड में। तो लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट डेल्टा एल जो हमें दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है सर 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है 0.1 सेकंड, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और अब जैसे मान लेते हैं टोटल टाइम पीरियड, जो टोटल टाइम दे रखा है अगर मैं उसको लिख लूं, टोटल टाइम तो अपन लोग टी मान लेते हैं, ठीक है, और जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दे रखे हैं वो कितने मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, उसको एन मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं एक का सिंगल टाइम पीरियड लिखूं तो जो टी बाई एन हो जाएगा सिंपल, बिल्कुल। तो हमने क्या लिखा, टी इक्वल टू हमारे पास आ गया टी बाई एन। तो अभी अपने लोग इसको यहां पर छोड़ते हैं, अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे टाइम पीरियड लिखते हैं सिंगल का, जैसे एक का अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं तो T जो लिखा जाएगा वो लिखा जाता है 2π√L/g, सही है सर, सही बात है। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो ये 4π² L/g। अब हमें G के बारे में डिस्कस करना है, ये तो कुछ एरर मार्क कंसीडर नहीं करेंगे इसकी। तो आप लोग अगर G लिखेंगे तो अगर यहां से मैं लिखूं डेल्टा जी बाई जी सिंपल सा, तो ये बनेगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ये आएगा हमारे पास, इसको इक्वेशन डाल लेते हैं सही। अब यहां पे सर जो कंफ्यूजन आता है बच्चे को, ये हमने जो लिखा है ये लिखा है हमने सिर्फ सिंगल टाइम पीरियड के लिए, और यहां पे हमें टाइम दे रखा है ये टोटल के लिए। तो अगर मैं मुझे डेल्टा टी तो निकालना है, अगर मैं इसको लिख लूं, हमें चाहिए डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं डेल्टा टी यहां से लिखता हूं, तो अगर हमने डेल्टा टी लिखा तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं डेल्टा टी डिवाइड बाय एन, बिल्कुल सही बात है सर।
तो अब आप मुझे डेल्टा टी अपॉन टी अगर मैं लिखूंगा तो डेल्टा टी अपॉन टी तो ये बनेगा डेल्टा टी इंटू एन और ये टी बाई एन, बिल्कुल सही। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल ये है कि ये सेम जो टोटल टाइम दे रखा है अगर उसको भी रख दें तब भी अपना आंसर सही है। सही है, ठीक है। तो मैं तो मतलब सीधा यही क्लास में अपन तो ये प्रेफर करते हैं कि भाई बच्चा ये बात सुन ले कि भाई यहाँ जो है यहाँ केवल टोटल टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करें, टोटल टाइम कितना है आपको वो पुट करना है, ना कि एक टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। पढ़ाओ सर आगे। तो आगे हम लोग जो हमारे पास तीन एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं उसकी वैल्यू अपने लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले E1 के लिए मैं लिखता हूँ, E1 के लिए, अगर E1 के लिए अब इसको परसेंटेज हम लोग लिख लेते हैं तो डेल्टा जी परसेंटेज डेल्टा एल अपॉन एल परसेंटेज प्लस टू डेल्टा टी अपॉन टी परसेंटेज। तो हम लोग अभी तक आ जाते हैं। अब सर एक बार इसका डाटा बताना मुझे है, डेल्टा एल अपॉन एल, देखो सर जैसे इन्होंने एल जो दे रखा है ना वो दे रखा है जैसे फर्स्ट वाले के लिए 64 सेंटीमीटर दे रखा है, पर इन्होंने 64.0 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब इसमें इस डाटा में जो एरर है ना वो डेल्टा एल की जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी 0.1 सेंटीमीटर, कि पॉइंट के बाद जैसे आपको डिजिट कभी मिलती है कि 1.15 सेंटीमीटर तो आप इसमें एरर बोलोगे, यदि वो कुछ स्पेसिफाई कर देता है कि भाई 0.5 लेना है 0.05 लेना है 0.07 लेना तो वो लेना है, अदरवाइज इसका जो एरर है वो जो लास्ट डिजिट होता है ना उसके प्लेस पर आपको वन पुट करना है वो एरर होता है। अच्छा, अगर इसमें मान लो तीन होते तो हमारे पास लास्ट में तीन डिजिट, बिल्कुल तीन, अगर मान लो मैं इसको ये लिख देता हूँ 4 तो आप ये बोल रहे हो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.0011 ये इसमें एरर हो जाएगा। और इसमें सर हमें दे भी रखा है डेल्टा एल ये 0.1 दे रखा है, नहीं देना तो वो लगाना है, जैसे मान लो कि ये कहता है यहाँ 0.2 सेंटीमीटर है तो अपने को 0.2 ही मानना पड़ता, लेकिन वो नहीं देता तो अपन 0.1 मान के इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। लो सर डाटा लो फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले के लिए अपन लोग लिखते हैं E1, तो ये जो आएगा हमारे पास डेल्टा एल ये तो हमें दे रखा है 0.1 लेंथ है 64 और ये सेंटीमीटर में ही है, बिल्कुल दोनों सेंटीमीटर में, दिक्कत नहीं है। इसको तो ऐसे लिख देते हैं परसेंटेज में ही लिख देते हैं, या 100 कर लेते हैं 100 प्लस ये तो आ जाएगा 2 और ये दे रखा 0.1 और इसका टाइम 128 ये आ गया 128 और ये आ गया 100, ठीक है सर। तो अगर अपन लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो आएगा E1 जो लिखा जाएगा ये बनेगा 10 by 64 वो भी 10 by 64 ठीक है, तो ये बनेगा 20 by 64। तो इसको सर अभी यही छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। अब अपन लोग लिखते हैं E2 के लिए डाटा, लेकिन बिल्कुल सही बात है। तो जो E2 के लिए लिखा जाएगा तो डेल्टा एल तो वही रहेगा 0.1 और इसके लिए लेंथ 64 ही है सर, 64 है तो 64 × 100 प्लस 2 × 0.1 डिवाइड बाई इसका टाइम पीरियड कितना 64 इसका 64 into 100 आ जाएगा हमारे पास। तो अपन इसको 10 by 64 और 20 by 64 तो अपन लिख देंगे 30 by 64 फिर अपन थर्ड वाले का भी कंपेयर कर सकते हैं सर 30 by 64। अब यदि ये इक्वेशन लिख लेते हैं फोर्थ, तो यदि अपन इसको कंपेयर करते हैं ना सर तो ये वाली जो एरर है ना फर्स्ट से ये वाला डाटा अपने पास आता है मिनिमम, थर्ड वाले का भी कर सकते हैं आराम से स्टूडेंट आई थिंक बहुत इजी सा पार्ट है, दो तो अपन ने कर ही दी तीसरा बच्चे कर ही लेंगे बस वैल्यू पुट करने को रहेगा। तो मिनिमम एरर जो इसके पास आती है वो अपने पास आती है फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले की, तो यही आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड इज करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सेकंड। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि 17 है ना सर, हां 17 है, कुछ 17 में बोल रहा है यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा वन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d बाय मेजरिंग द करेस्पोंडिंग एंगल थीटा रेंज फ्रॉम रेंज 0 टू 90 डिग्री द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन एंड द एरर इन थीटा इज कांस्टेंट For all values of theta, मतलब d theta जो है ना, ये बोल रहा है कि error in theta is constant for all values of theta. इसका मतलब d theta जो मेरा है, वो constant quantity है.
और मैं थीटा की वैल्यू जो है वो जीरो से इंक्रीज कर रहे हैं अपन। तो सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर जेई में इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये पूछे जाते हैं, ये जेई का ही क्वेश्चन है सर। इसके बाद ऐसा एक और क्वेश्चन भी अपने पास जेई में आया हुआ है। तो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, जब भी ये तीन टाइप के फंक्शन आते हैं तो एरर हमेशा डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट होती है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा इसके अलावा एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन और आता है ना, जैसे 1/r = 1/r1 + 1/r2। इस वाले क्वेश्चन में भी जब एरर कैलकुलेट होती है ना सर, तो हमेशा डिफरेंशिएशन मेथड से ही होती है, मतलब dr = -dr1/r1 - dr2/r2। जब भी dr इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, तीन तो वो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक इस टाइप के जिनमें डिवाइड में क्वांटिटी है, हाँ। तो उनको अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो चलो सर अपन तो अपने क्वेश्चन से बात करें, 2d sin θ = λ वाले से बात करें, तो d की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, इट इज λ/2 sin θ। तो अपन d को लिख सकते हैं λ/2 cosec θ। अब लैम्डा तो अपना जो है उस क्वेश्चन में बोल रहे थे लैम्डा इज एग्जैक्टली नोन, मतलब d लैम्डा तो जीरो है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डेल्टा d इज इक्वल्स टू λ/2, और ये मेरे पास हुआ -cosec θ cot θ d θ। एक तो ये बन गया अपने पास, हां ये आ जाएगा। तो अब इसमें माइनस का तो कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को बात तो प्लस और माइनस दोनों को लेकर करनी पड़ेगी। मैं इसको प्लस ही लिख लूं, बाहर प्लस माइनस ले लूं, हाँ ठीक है। अब इसका एक जो कंपैरिजन है ना क्वेश्चंस में, एक तो एब्सोल्यूट एरर का कंपैरिजन है और एक फ्रैक्शनल एरर का है, दो क्वेश्चन हो गए ये, दो पार्ट हो गए इसमें, हाँ। तो यदि मैं सबसे पहले जैसे एब्सोल्यूट एरर की बात करता हूं, तो एक तो ये बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेंस कांस्टेंट, और सेकंड बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर इन डी इंक्रीजेस। तो सर इस वाले केस में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉसेक थीटा डिक्रीज होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉट थीटा भी 0 to 90 degree में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली डिक्रीजिंग क्वांटिटी आएगा। तो डी में जो एब्सोल्यूट एरर है दैट विल डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद इंक्रीमेंट ऑफ थीटा। तो ये तो बोल रहा है कि डी में इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शनल एरर को लेकर, फ्रैक्शनल एरर के लिए इससे डिवाइड करते हैं इसको, डेल्टा डी अपॉन डी लैम्डा बाय 2 तो सही हो गया, कॉसेक थीटा सही हो गया अपना, मेरे पास क्वांटिटी सीधी सीधी कॉट थीटा डी थीटा बच गया, डेल थीटा लिख दो सर। अब कॉट थीटा जो है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 में, तो अपन इस वाले केस में फ्रैक्शनल एरर जो होगी हमारे पास डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो फोर्थ वाला जो है वो सही है, करेक्ट आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात, आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो बोला है, ये बोला है द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड। तो इस वाले में जैसे अपन है ना सर पिछले वाले में बात करें ना, तो मतलब जैसे एक तो ये वाला हो गया, एक दूसरा वाला ये वाला हो गया, तो हमारा जो डिवीजन है ना वो इसी टाइप से, मतलब क्वेश्चंस वही मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड वैसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आया हुआ है सर क्वेश्चन, कोई भी बच्चा जो देख रहा होगा उसका मेन मुद्दा यही होगा कि वो देखना चाहता है उस चैप्टर में, हमने गुरु नीति जो मेडिकल में अपना जा रहा है और जेई वाला है, उनका मेन फोकस यही है कि जो बच्चा एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहा है ना, कुछ जानना चाहता है कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे पूछा जाता है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कैसे एक्सप्लेन होगा, पूरा कैसे उसको रिवाइज किया जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर ले ताकि अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मेन फोकस अपना गुरु नीति मेडिकल के लिए भी और जेई के लिए भी, इन दोनों का मेन फोकस यही है कि रिविजन कंप्लीट वे में हो, चैप्टर रिविजन अपना पूरा, और क्वेश्चन भी वही रहे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग ज्यादा वेटेज रखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो, बिल्कुल सर। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, जो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 18, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I = E^100 - 1000 - 1 mA, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट्स एंड टेम्परेचर T इज इन डिग्री केल्विन। इफ ए स्टूडेंट मेक एन एरर मेजरिंग +-0.1 volt व्हाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 mA एट 300, व्हाट विल बी द error in value of current in milli। तो सर ये exponential function है जैसे अभी आपने बताया था, तो वही वाला method लगा देता हूं मैं, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं सर, तो ये बनेगा हमारे पास जैसे मैंने I लिखा, ये तो हमें दे रखा है एक्सप्रेशन 1000 V/T - 1 V/T - 1 ये हमें दे रखा है,
बिल्कुल सर, ठीक है। अब सर इसमें हमें एक चीज अगर आप लोग देखें तो ये 5 mA दे रखा है हमें किसमें, 300 केल्विन। तो अगर इसमें मैं रख के पहले पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल क्योंकि जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो ये हम लिख लेता हूं मैं, ये लिखा मैंने 5 mA 1000 by 300 by 300, ये माइनस मैंने, तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू ई 1000 by 300, एक डेटा तो हमें ये आ गया, बिल्कुल सर। अब आपने जैसे अभी बताया था ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो पहले तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई इक्वल टू ई 1000 by t -1। तो डी आई अगर मैं लिखूंगा तो ये तो 1000 by t -1 तो गया, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 1000 dB/t, और यहाँ पे आ जाएगा ये dB आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बिल्कुल सर। तो इसकी तो वैल्यू हमें पता है, ये कितना है, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 1000, और dB हमें दे रखा है 0.01 divided by 300। तो ये बना, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, दो जीरो, नहीं ये इधर आएगा, ये 2 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ये 10 रह गया अपने पास में, डाटा आ गया 2 × 10 2 × 10 × 0.01, यहाँ से यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.2 million। तो आंसर हो गया, हर्ड आंसर जो इसका आ रहा है वो सही आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ, एक जेई में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है सर, मतलब बच्चा इस क्वेश्चन को देख के लगभग स्टूडेंट्स जो है वो ये लगा गया। और एक बात और भी है सर, इसमें जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, वो जैसे डिफरेंशिएशन वाले मेथड और फार्मूले वाले, उनको मोस्टली ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ये क्वेश्चन आ गया, कई बच्चे इसे गलत कराए थे। तो सर क्वेश्चन है दैट अ स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फोर टाइम्स, चार बार मेजर कर रहा है। फर्स्ट टाइम तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 90 सेकंड आ रहा है, T1 हमें दे रखा है 90 और T2 दे रखा है 91 और T3 दे रखा है 95 और T4 दे रखा है 92 तो अपन सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट कर ले। हाँ, टी मीन कैलकुलेट। वैसे मीन कैलकुलेट करने की मैं नेसेसिटी समझता नहीं था, क्योंकि सब में 92 चार ऑप्शंस में ये दे रखा है, तो टी मीन जो मेरा आ गया वो डायरेक्टली अपने पास 92 सेकंड आ गया। अब इसमें जैसे अपन डेल्टा T1 की बात करें, मैं मोड में कैलकुलेट कर लूं क्योंकि अपने को तो डेल्टा टी मीन ही तो निकालना है। हाँ, तो डेल्टा T1 तो अपने पास मोड में 2 सेकंड आ रहा है, डेल्टा T2 की मोड में बात करें तो डाटा आ रहा है 1 सेकंड, और ये डेल्टा T3 मोड में बात करें द डाटा इज 3, और डेल्टा T4 यदि मोड में बात करता हूं तो द डाटा इज 0 सेकंड। अब इसका मीन निकाल लेते हैं। अब यदि मैं डेल्टा टी मीन कैलकुलेट करता हूं, ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है जिसमें सबसे पहले टी मीन कैलकुलेट करते हैं, फिर हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये एक्चुअली डेविएशन होता है हर एक रीडिंग का, मीन वैल्यू से डेविएशन कितना हो रहा है, फिर अपन मीन डेविएशन देखते हैं कि टोटल मीन डेविएशन कितना हो रहा है। तो यहां से यदि अपन देखें 2 + 1 = 3 = 6, तो ये डेल्टा T1 मोड प्लस डेल्टा T2 मोड प्लस डेल्टा T3 मोड प्लस डेल्टा T4 मोड डिवाइडेड बाय 4 आएगा, दैट इज 6/4, दैट वैल्यू इज 1.5। 6/4 मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है, जितनी बार करा गया उससे आपने डिवाइड कर दिया। अब इसमें यदि अपन आंसर की बात करते हैं ना सर, देखो तो आंसर बच्चा ये सोच के गया कि 1.5 के आसपास का डाटा अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1.8 मार दिया, तो उन्होंने 1.8 मार दिया और ये हो गया गलत, और ये हो गया गलत। सही बात। यदि मैं इनमें बात करूं ना सर, तो 90 91 95 92 ये चारों ही रीडिंग्स जो है इनमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब हमारे आंसर में भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं हो सकती। ठीक है, हमारा लीस्ट काउंट जो है मेजरमेंट का वो 1 सेकंड है। इन रीडिंग से अपन चारों से बात करें तो 1 सेकंड है, और इसमें देवी रखा जो है और 1 सेकंड दे भी रखा है, दे भी रखा है। तो इसका मतलब 1.2, 1.7 ये डाटा तो हो ही नहीं सकता, अब अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 1.5 वाले में राउंड ऑफ से अपन देखें तो थर्ड आंसर जो इसका आ रहा था वो सही 92 + -2 सेकंड, ये आंसर है, बिल्कुल सर। तो सर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, ये अपना एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। तो अपना मेनली जैसे बोस ने बोला था कि भाई हमारा मेन मोटिव ये है कि आपका लेवल थोड़ा सा जेई मेन से ऊपर रखा जाए, उसका मेन रीजन भी यही था कि जब भी अपन किसी चैप्टर को कवर करते हैं ना, तो उसमें एक दो चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो मेंस में बहुत रेयरली पूछी जाती हैं, या फिर उसका कुछ पोर्शन सा पूछा जाता है, जैसे स्क्रू गेज का केवल रीडिंग वाला पोर्शन पूछते हैं, मतलब इसका लीस्ट काउंट पूछ लेते हैं, छोटा मोटा रीडिंग का कोई सवाल पूछ लेते हैं,
पर जीरो एरर के साथ का क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से छूट जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है ना सर, मतलब वो फिर 90% तक रह जाएगा, हमारे पास चीज छूट जाएगी, छूट जाएगी। अपना मोटिव गुरु नीति मेडिकल और जेईई का यही है कि जब आप चैप्टर रिवाइज करने बैठे तो आपका चैप्टर 100% रिवाइज हो, उसमें थ्योरेटिकली किसी भी चीज में कुछ कमी ना रह जाए, थ्योरेटिकली वो चैप्टर आपका पूर्णतया रिवाइज हो जाए। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन ने एक दो क्वेश्चन जो है, तो ये स्क्रू गेज का और अगला क्वेश्चन जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का। स्क्रू गेज वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो अपन ने जीरो एरर वाला जो पोर्शन है उसको भी साथ में काउंटेबिलिटी में लिया है ताकि क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुके, मतलब सब कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा ताकि चैप्टर 100% हो जाए, 100% हो जाए। ठीक है सर, करें शुरू। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें बोला है ए स्क्रू गेज विद पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टड्स एंड द फेसेस ऑफ स्क्रू गेज टच ईच अदर द 40 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। मतलब तो सर यदि जीरोथ डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है, स्क्रू गेज मतलब कोई एरर ही नहीं है, कोई एरर नहीं है। हाँ। अब इन्होंने बोला है कि इस केस में जो 40th डिवीजन है वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइडिंग है, दैट मींस हमारे स्क्रू गेज में कुछ जीरो एरर है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं इसमें बिल्कुल सर। तो उसमें बोला है नाउ द ग्लास प्लेस इज हेल्ड बिटवीन द स्टड्स एंड द रीडिंग ऑफ लीनियर स्केल इज फाउंड टू बी 5। तो ये लीनियर स्केल हमें रीडिंग दे रखी है 5, ठीक है। फिर एंड द ऑफ ऑफ सर्कुलर स्केल इज 26। What is the thickness of the glass plate? It is given that zero of linear scale is visible when the faces touch each other. तो सर अब इसमें बोल दिया कि मतलब faces जो हैं वो touch कर रहे हैं मगर zero भी visible है। यदि उसमें वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में यदि हमारा zero visible होता है रेफरेंस लाइन का, लीनियर स्केल का जो जीरो है वो विजिबल है, तब तो होती है पॉजिटिव जीरो, पॉजिटिव। और यदि वो विजिबल नहीं होता है तो होती है नेगेटिव जीरो है। क्योंकि जब भी अपन किसी इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लिखते हैं ना, जब अपन उसकी ट्रू रीडिंग की बात करते हैं तो उसकी ट्रू रीडिंग जो है वो ऐसे कैलकुलेट होती है, इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमारी जीरो एरर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो स्क्रू गेज में यदि आपका जीरो विजिबल है दैट मींस पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, और विजिबल नहीं है तो नेगेटिव जीरो एरर है। अच्छा, इसको ना सर कई बार इसमें जीरो एरर के प्लेस पर इस वाले से भी करेक्शन वाले जीरो करेक्शन, इसको तो बोलते हैं हिंदी में शून्य त्रुटि और ये वाला है शून्य संशोधन। एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई जगह मिल जाएगा कि जीरो एरर जो है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और जीरो करेक्शन जो है वो हमेशा ऐड होता है। तो चलो सर अपन अपने क्वेश्चन से डील करें, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना एक काम करते हैं इसमें लिस्ट काउंट लिख लेते हैं। लिस्ट काउंट अगर हम लोग लिखे तो जो लीस्ट काउंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास जो इसकी पिच होगी सर, और फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे सर्कुलर स्केल, यहाँ पे मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख देता हूँ सीधे, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ जाएगा, ये जो पिच दे रखी है ये कितना दे रखा है 1 mm, और इस पे डिवीजन दे रखे हैं वो 100 दे रखे, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ते हैं, तो आगे कैलकुलेशन में अपने काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास जो मेन स्केल उसमें 5 तो उसने कंप्लीट कर ही लिया बिल्कुल, और उसके बाद उसमें 26 उससे मैच हो रहे हैं, और उसके साथ ये भी बोल रखा है कि हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो 40 डिवीजन जो है रेफरेंस लाइन के साथ, रेफरेंस लाइन के साथ, और जीरो विजिबल का मतलब पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर बिल्कुल सर। तो अब इसको लिख लेते हैं अपने लोग, जो ट्रू रीडिंग लिखेंगे अपने लोग वो हमारे पास आ जाएगा, तो मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग आ जाएगा प्लस जो एन आएगा और जो लीस्ट काउंट है, यहां तक सही है सर? बिल्कुल सही बात है। आप इसके बाद अपने लोग जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो एरर। तो ये जो एन, ये तो मैन स्केल रीडिंग तो इन्होंने 5 मेंशन कर रखा है, तो 5 mm अपने पास हो गया। हाँ, एन जो होता है ना वो सर्कुलर स्केल का वो वाला पार्ट है जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है,
जो सब mm में चल रहा है तो 5 माइनस में 14 by 100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.86 mm. तो यही आंसर होगा सर? बिल्कुल सर, यदि अपन अपनी क्वेश्चन के साथ बात करें तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में अपन एक क्वेश्चन अपन स्क्रू गेज का कर चुके हैं, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वरना अपना वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है सर कि द स्टील वायर ऑफ अ डायमीटर 0.5 एमएम एंड यंग्स मॉडुलस 2×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैरीज अ लोड ऑफ मास कैपिटल एम। द लेंथ ऑफ द वायर विथ विच द लोड इज 1 मीटर। कि जब कैपिटल एम लगा हुआ है ना लोड, तो उसकी लेंथ है 1 मीटर। वर्नियर स्केल विथ 10 डिविजन इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द विथ वायर नेक्स्ट टू द स्टील वायर ऑफ द रेफरेंस वायर टू विच अ मैन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm इज अटैच्ड। 10 divisions of vernier scale correspond to 9 divisions of main scale। एक तो information ये दे दी कि आपकी जो main scale है ना, उसके एक division की reading है 1 mm, और जो vernier scale है वो उसके 10 divisions जो है वो आप सब आपके main scale के 9 divisions के साथ coincide कर रहे हैं। फिर वो बोल रहा initially the zero of vernier scale coincides with the zero of main scale, that means इस instrument में कोई zero error नहीं है। वर्नियर स्केल का जीरो यदि मैन स्केल के जीरो से कोइंसाइड होता है तब तो कोई एरर नहीं है। यदि वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो से आगे की तरफ होता है तो पॉजिटिव जीरो है, और वो पीछे की तरफ होता है तो नेगेटिव जीरो को कंसीडर करनी होती है। अच्छा, तो अपना जीरो एरर का तो कोई केस ही नहीं। फिर वो बोलता है इफ द लोड ऑफ द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, कि आपने स्टील वायर का लोड जो है वो 1.2 केजी से इंक्रीज कर दिया, तो वर्नियर स्केल डिविजन्स विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिविजन इज। अच्छा, तो सर यदि मैं सबसे पहले इसके लिए बात करूं तो मेरे को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लोड लगाने पे लेंथ का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना होगा। तो इसके लिए अपना एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है दैट वाई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला है अपना। तो यहां से अपन डेल्टा एल की बात करें तो ये वाला डाटा आता है एफ एल अपॉन ए वाई। तो डेल्टा एल जो मेरे पास आ रहा है, फोर्स तो 1.2 केजी मतलब 12, क्योंकि इन्होंने बोल रखा देखो जी की वैल्यू तो जी की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है। फिर लेंथ जो है वायर की वो इनिशियल 1 मीटर यही है सर? हां, इनिशियल 1 मीटर है। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर पाई, और पाई की वैल्यू जो हमें कंसीडर करनी है वो 3.2 लेनी है। आर स्क्वायर तो इन्होंने जो डायमीटर बोल रखा वायर का वो 0.5 mm है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5/2। ये 25×10^-8 इनटू में 4 ऊपर चला जाएगा। हां, 4 ऊपर चला जाएगा, d²/4 होता है। हाँ, तो d² और 4 गया मेरा ऊपर। अच्छा, फिर y की वैल्यू पुट करनी है तो यंग्स मॉडुलस कितना देगा सर? ये हमें 2×10^11 अच्छा जी सर, यहां से यदि अपन इसको सॉल्व करें सर, ये डाटा 50 और ये 48/3.2×50×10^3 यही आ रहा सर? हाँ, तो 3.240 ठीक है। तो इसकी यदि अपन बात करें तो ये डाटा है 3/0.2×50×10^-3 सही है सर? सही है। तो नीचे वाला डाटा तो 0.2×50 होता तो 100 हो गया। तो ये हो गया डाटा अपने पास कितना 10। तो 10 बोलते ही ये वाला डाटा हो गया 0.3×10^-3 मीटर, मतलब ये डाटा जो मेरे पास आ रहा है वो 0.3 mm आ गया। 0.3 mm। तो अब 0.3 mm से यदि अपन बात करते हैं ना सर, तो मैन स्केल जो है ना उसका तो लीस्ट काउंट ही 1 mm है, मतलब मैन स्केल का तो एक भी रीडिंग नहीं किसके का, जो भी किसके का वर्नियर स्केल किसके का। तो जब अपन वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग की बात करते हैं तो पहले उसका लीस्ट काउंट लेते हैं। सबसे पहले अपन वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है साहब 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इसमें आपको दे रखा है 10 VSD जो है वो 9 MSD, वो 9 MSD के इक्वल है। तो मतलब अपना 1 VSD जो है वो 9/10 MSD के इक्वल है। जैसे अपन इसमें पुट करेंगे 1 - 9/10 MSD, तो लीस्ट काउंट मेरा जो आ रहा है वो 1/10 MSD आ गया,
मतलब 1/10 MSD की बात करूं तो ये डाटा आ गया 0.1 MSD. तो MSD की वैल्यू हमें दे रखी है, पर MSD की वैल्यू जो है भाई 0.1 MSD, MSD 1 mm, तो ये डाटा आ गया 0.1 mm. अब जब अपन रीडिंग लिखते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, तो वो होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस में एन इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर. जैसे स्क्रू गेज में कैलकुलेट करते हैं ना सर, वैसे ही इसमें करते हैं. पर यहां ये जो देखो, एक तो एन जो है ना, ये होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन सबसे पहले मैन स्केल के किसी भी डिवीजन से पार्ट कोइंसाइड कर रहा है. जैसे ऐसा हो सकता है कि वर्नियर स्केल का थर्ड और सेवंथ दोनों डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम एन की जगह थ्री लेंगे. कि वर्नियर स्केल का सबसे प्रायर जो पार्ट है, सबसे लोवेस्ट जो डिजिट है, लोवेस्ट जो पोर्शन है, वो मैन स्केल के कौन से पार्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो एन होता है. मैन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल के जीरो से ठीक पहले मैन स्केल का जो पार्ट होता है वो होता है मैन स्केल रीडिंग. तो अब अपने को जो रीडिंग आनी है वो तो 0.3 mm आनी है अपनी. तो मैन स्केल रीडिंग तो आई नहीं सकती क्योंकि तो mm में 1 mm 2 mm से चलेगी, तो ये तो है नहीं. जीरो एरर अपना जीरो है, है नहीं. तो एन जी है मेरे को, तो रीडिंग है 0.3 mm, ये एन, और ये वाला डाटा है 0.1 mm, तो ये 3 आ गया. एन की यदि अपन बात करें तो एन की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो 3 आ गई. तो यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें तो सी थर्ड तो है, थर्ड करेक्ट आंसर. ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन यूनिट डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट. इस चैप्टर को हमने कंप्लीटली रिवाइज करवाने की आपको कोशिश की है हमारी तरफ से 100%. और हमारा मेन मोटिव भी यही है बेटा कि आप जब गुरु नीति देख रहे हो तो आप एटलीस्ट उस चैप्टर के 100% कंसेप्ट्स को, जीरो से लेकर 100 तक सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सके. सेम टू सेम जैसे फिजिक्स में वैसे ही केमिस्ट्री में वैसे ही मैथ्स में 100% आपका चैप्टर का रिविजन हो जाए. ठीक है डियर, गुड बाय.